हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग का जो जीओसी था यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टार्टिंग था उसका। यहाँ पे आज हम लोग 9th वाला लेक्चर लेके आ गए हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी इन जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर देखते हो उसके अंदर एसिडिटी या फिर बेसिसिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं वो हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं, ओके। और आज के लेक्चर में हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो होगा एसिडिटी पे, कि एसिडिटी इन जीओसी आप कैसे डिसाइड करते हो, किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को आप डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो की हाईलाइट होने वाली है, ओके। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस गेट एग्जाम के रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले 110%, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एसिडिटी, ओके। अगर आप देखो तो हमने एसिडिटी इससे पहले वाले प्रीवियस जो क्लासेस थे यानी हमने बीएससी में भी पढ़ा है, 10th 12th में भी हमने एसिडिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जिसके अंदर हम लोग ने तीन जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ओके। वो तीन कॉन्सेप्ट कौन से हैं, सबसे पहला जो आपका अरहेनियस थेरी है, ओके, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि अरहेनियस थेरी क्या होता है ऑन द इन चाहे आपका एसिड हो या फिर बेस हो उसके अंदर, ओके। दूसरा हमने पढ़ा था लिविस एसिड और बेस, ओके, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है। तीसरा हमने पढ़ा था कॉन्जुगेशन, ओके, यानी कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस क्या होता है, वो सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी, ओके, ऑन द लोअर क्लासेस, जिसके अंदर आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन उसका जो बेसिक होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर थी, ओके। उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होती थी, एसिडिटी हो या फिर बेसिसिटी हो आप निकाल सकते थे, ओके। इसी के रिलेटेड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि आपको ये याद रहेगा तो आप एसिडिटी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। सबसे पहले जो आपकी एसिडिटी होती है ना, वो एसिडिटी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड तो करती है ना, वो चाहे इन्वर्सली हो या फिर डायरेक्टली हो, यानी डायरेक्टली वो किसी से रिलेशन रखती हो या फिर घुमा फिरा के किसी के साथ रिलेशन रखती हो, लेकिन वो किसी ना किसी से जुड़ी हुई तो है। तो ये सेम चीज है यहाँ पे एसिडिटी में, कैसी है, अगर आपका स्टेबिलिटी है वो क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका अनायन स्टेबिलिटी, ओके। और अनायन स्टेबिलिटी आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि किस तरीके इसको निकालते हैं, ओके। इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उसके अंदर हमने कार्बो कटायन, कार्बो अनायन, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ाई थी, ओके। तो इसके लिए मैं कहता हूं हमेशा कि अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझना है तो आपको उसके लिए तो प्रीवियस वाले लेक्चर तो कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रीवियस वाले लेक्चर को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, ओके। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायन स्टेबिलिटी, ओके, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के वैल्यू यानी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वैल्यू, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH, ओके, यानी पीएच के ऊपर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन 1/pKa वैल्यू, ओके। तो यानी ये अनायन स्टेबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है, यानी अगर अनायन स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपका जो एसिडिटी है वो भी इंक्रीज होगा, और अगर आपका के डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपका इंक्रीज होता है तो जो आपका एसिडिटी है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन जब आपका पीएच इंक्रीज होगा तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये यहाँ पे इसका मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, ओके। सेम उसी तरीके से जो आपका पी के वैल्यू है वो भी अगर ज्यादा हो रही है तो आपका एसिडिटी कम होगा, ओके। अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो आपका पी के वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए मैंने इसको क्या किया, इंपॉर्टेंट आपको लिख के दे दिया है। आप क्या करोगे, इसको अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं आप चिपका लो अपने दिमाग में या अपने नोटबुक में, जब भी आप रिविजन करोगे ना तो आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपने देखा था कि 3rd फेब को, ओके, ये 3rd फेब को आपका गेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है। 3rd फेब को गेट के एग्जाम के अंदर आपको चाहे आपका जितना भी आप पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री में, वो आप सोच सकते हो कि उस सब केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ते हो ना, बेसिक चीजें जिसको आप बहुत सोचते हो कि ये सारी चीजें नहीं आती एग्जाम के अंदर,
वही सारी चीजें आपको गेट के फैब के एग्जाम में केमिस्ट्री में पूछी गई थी। ओके, क्योंकि मैंने एग्जाम अपेयर किया है तो मुझे पता है कि एग्जाम कैसे आया था, एग्जाम का क्वेश्चन किस तरीके से था। आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे थे। ओके, तो अगर आप कहीं से भी किसी भी क्लास से कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो ना, तो आपको जो बेसिक चीजें है ना, जैसे उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, उसको डायरेक्टली हम रिलेशन कैसे करते हैं, ओके, इनडायरेक्टली उसका क्या रिलेशन है, सेम चीजें आपको वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको पूछ दिया जाए कि आप रेडियस और रेडियस क्या होता है किसी भी एटम का, वो अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, ओके, बोहर्स एटॉमिक, जो बोहर्स एटम होता है उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, तो ऐसे अलग अलग जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, आप सोचोगे कि ये सारी चीजें आपको एग्जाम में दी होती है, लेकिन ये सारी एग्जाम में आपको सिर्फ बीएससी के लेवल में, एमएससी के लेवल में दी होती है। आप गेट में अगर ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही एक फुलिश वाला चीज है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गेट एक ऐसा एक हाईली मतलब बहुत ही एक टॉप लेवल का एग्जाम होता है। यानी अगर आप इंडिया के अंदर कंसिडर करते हो, तो थर्ड या फोर्थ रैंक पे आता है जो गेट का एग्जाम होता है। ओके, यानी उसको क्लियर करना आप सोच सकते हो, यानी वो यूपीएससी के, जेई के लेवल का एग्जाम होता है। तो आप उसको उस इम्पोर्टेंट से, आप उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो आपको समझना होगा, ये मैंने समझ ली है। सिर्फ आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको उस लेवल का अगर आप पढ़ाई करते हो, तो ही जाके आपका जो गेट का एग्जाम है, सीएसआई या नेट का एग्जाम है, वो आप क्लियर कर पाओगे विद द एक बहुत ही परफेक्ट रैंक के साथ, बहुत ही अच्छे रैंक के साथ। ओके, तो ये तो आपको समझ गया। अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि एसिडिटी आप कैसे डिसाइड करते हो। ओके, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा आपका जो चैप्टर होता है ना, ओके, ये आपको पूरा चैप्टर आपको ओनली डिपेंड ऑन जीओसी होता है, वो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल, ये आपका चौथा एग्जाम्पल। अगर आपको यहां पे कभी पूछ लिया जाए कि इसकी आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है, तो आप स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? ओके, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो, तो और ये वाला स्ट्रक्चर, ये अगर आप चारों स्ट्रक्चर को दिया जाए और यहाँ पे सिंपली अगर आपको पूछा जाए कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप इसको कैसे बताओगे? ओके, एसिडिटी का ऑर्डर निकालना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए मैंने एक बात आपको कही है हर एक लेक्चर में, कि आपको प्रीवियस वाले लेक्चर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हमने एक प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था कि जो आपकी जो एसिडिटी होती है ना, ओके, ये एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके अनायन की स्टेबिलिटी पे। ओके, ये चीजें हमने पिछले स्लाइड में भी लिखी है, लेकिन अगर आपको याद ही नहीं होगा, तो आप किस तरीके से करोगे? ओके, यहाँ पे देखो आपको कितने कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हम लोग इसको डिसाइड करने वाले हैं। ओके, यानी जितने ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप, उतना ज्यादा वो क्या होगा, जो अनायन होगा वो स्टेबल होगा। ओके, यहाँ पे देखो पहले वाले में कितने आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं, या आपका जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर आपको कितने, तीन दिख रहे हैं। दूसरे वाले उसमें देखो, तो दूसरे वाले में आपको कितना दिख रहा है, दूसरे वाले में आपको दिख रहा है वन दिख रहा है। ओके, सॉरी, यहाँ पे दो दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप दो है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक है, यहाँ पे कितने हैं, OH है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में चले जाएगा ना। यहाँ से सिंपली अगर आप एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव कर देते हो, ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर देते हो, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ROH है, तो यहाँ पे भी आपका ये है, ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये क्या है, आपका रिंग है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो आपका रिंग होता है ना, वो रिंग क्या ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आपका एक सिंपल कंपाउंड की मदद, सिंपल कंपाउंड के कंपैरिजन में। ओके, तो इसके लिए इसका जो एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा आपका पहला, देन आपका दूसरा, देन आपका तीसरा, देन आपका चौथा। ओके, ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर जिसको आपको ध्यान रखना है। और आपको इसी तरीके से आपको जितना भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जिसको आप नहीं क्रैक कर सकते और जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए कि ये सारे एग्जाम्पल आपको किस तरीके से करने। ओके,
यहाँ पे आर दिया है आपको, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको ओ एच दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक रिंग दी है, ठीक है, यहाँ पे आपको रिंग के साथ ये आपको ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको कार्बोनाइन दिया है, और यहाँ पे आपको ओ एच दिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको इसका एसिडिटी निकालना है तो इसकी एसिडिटी को तो आप कैसे निकालोगे, ओके, बहुत सिंपल है इसकी एसिडिटी निकालना। एसिडिटी का मतलब ही होता है, एसिड का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले आपको समझना होगा। एसिड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। ये आपको जैसे जैसे आपका लेक्चर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे मैं आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देते जाऊंगा, ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो जो भी आपके पास कंपाउंड है, जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ओके। तो इसका अगर मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ओ माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका ये रिंग हो गया, ठीक है, ये रिंग में से हमने क्या किया है, ओ एच को यहाँ से रिमूव कर दिया है, एच को, ओके। तो ये आपका इस तरीके से। अभी अगर आपको इसके अंदर कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है जो इस स्ट्रक्चर से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप और अगर आपको रिंग स्ट्रक्चर में कहा जाए कि दोनों में कंपेयर करो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप आंख बंद करके ये लिख देना कि जो आपका कार्बोनिल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आपका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके कंपेरिजन, ओके। यहाँ पे मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, लेकिन ये भी सेम ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ओके। ये आपके पास आर है, ठीक है, ये आपके पास डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे आपका ओ एच है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास ओ एच है, ठीक है, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे आपका NO2 है, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 है, और यहाँ पे भी आपका NO2 है, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे आपका एसिड में, जैसे ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ओ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका रिंग हो गया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ओ माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका NO2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका NO2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपको NO2 देखने के लिए मिलेगा, ओके। इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, अगर मैंने इसको कॉन्जुगेशन में भी डाला तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, बराबर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यानी ये एक कॉन्जुगेशन फॉर्म करेगा। लेकिन सपोज अगर मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेशन करना है, तो ऑलरेडी तो आपका ये जो आपका बेंजीन रिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन आपको है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी दिया है, ओके, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलरेडी यहाँ से ऑक्सीजन से ये जो आपका एक हाइड्रोजन है वो रिमूव हो चुका है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर वो आप यूज करते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, तो उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर आपको हाईली रिपल्शन देखने के लिए मिलता है, ओके। और जब इसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब कोई आदान और प्रदान नहीं होगा, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डोनेट और रिसीविंग नहीं होगा, तो ये कंपाउंड क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, ओके। ये आपको समझ में आना चाहिए। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 1000 रुपीज है, ओके, और दूसरे वाले के पास 1000 रुपीज से है सेम, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका कोई मित्र है जो क्या है, अमीर है, ओके, और उसके जेब में ऑलरेडी उसके जेब में कितने हैं, 10,000 रुपीज है, और यहाँ पे एक जो मित्र है बी वाले का, ये सपोज आपका बी है, ये ए है, बी वाले का मित्र है, उसके पास सिर्फ 100 रुपीज है, ओके, उसके जेब में। अभी मुझे बताओ, क्या ये जो मित्र है यहाँ पे, ये सेकंड वाला, ये मित्र 10,000 उसके ऑलरेडी जेब में है, तो क्या वो 1,000 वाले से कुछ रुपए लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी ये पॉजिटिव में है, ओके, यानी ये ऑलरेडी क्या है, रिच है। अगर सेम चीज यहाँ पे देखी जाए तो ये उसके पास ऑलरेडी 100 ही रुपए हैं और इसके पास 1,000 रुपए हैं, तो ये क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ लेगा, ओके। लेकिन ये कितना देगा, एक लिमिट तक ही दे सकता है ना, ये भी तो सोचेगा कि मेरे पास अपनी स्टेबिलिटी के लिए मेरे पास खुद ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू दिस। इसके लिए ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, वो इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि उसको 1,000 की जरूरत है, उसके पास 1,000 है, ओके, इसके पास ऑलरेडी 10,000 है, तो वो इस छोटे से
छोटे से जो भी आपका यहाँ पे, अगर आप छोटा सा इसके पास अमाउंट है उस अमाउंट में से ये लेगा नहीं, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो ये इसके पास 1000 है, ये तो स्टेबल है, लेकिन नीचे वाला क्या है, अनस्टेबल है। तो ये किसी ना किसी तरीके से इससे क्या करेगा, थोड़े से पैसे अपने पास लेने की ट्राई करेगा, और इसके लिए वो बहुत जितना पॉसिबल ट्राई हो जाए वो करेगा। लेकिन यह ये भी अगर स्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी अपनी लूज तो नहीं करेगा ना, तो ये सेम चीज है यहाँ पे अप्लाई होती है। जैसे आपका एक नॉर्मल लाइफ कैसे होता है, वो नॉर्मल लाइफ की तरह ही आपका जो केमिस्ट्री है वो चलता है, बस आप किस तरीके से उसको रिलेट करते हो, किस तरीके से वो सारी चीजें आप सीखते हो ना, इसके ऊपर सारी चीजें मैटर करती है, ओके। इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो आपका सेकेंड वाला बी वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू आपका ये। इसमें मैं मानता हूं कि इसके अंदर आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहीं आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि वहां पे वो जो पल रहा है वो भारी है। अगर वो ऑर्थो पे है, ओके, या फिर वो पैरा पे है, तो आप समझ जाइए कि ऑर्थो और पैरा पे उसका जो एक चांस होता है ना फॉर स्टेबिलिटी, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा, ओके। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे दो ऑर्थो पे है एक पैरा पे है, ओके। तो ऑफकोर्स इसका जो विनिंग चांस है वो हाई है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, वो टर्म है आपका मोनोबेसिक एसिड और डायबेसिक एसिड, ओके। ये हमारे लोअर क्लासेस में बहुत इसको सिखाया जाता था, लेकिन मुझे कभी ये समझता नहीं था, ओके, कि मोनोबेसिक एसिड क्या होता है और डायबेसिक एसिड क्या होता है, ओके। मोनोबेसिक एंड डायबेसिक, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बस एक जो तरीका होता है ना पढ़ाने का, ओके, यानी किस तरीके से अगर आप सामने वाले व्यक्ति को अगर आप नहीं सिखा पा रहे हो तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आप में कुछ तो प्रॉब्लम है, ओके। अगर आप अच्छे से सिखाओगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी कोई व्यक्ति होता है जिसको आप समझ में ना आए। कोई भी एक सिंपल सा टर्म है, जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में ABCD सीखते थे, वो चीजें आज देखो कि हमें अब तक याद है, ओके। और वही सेम चीज अगर हम 10 दिन पहले कुछ चीजें पढ़ते हैं वो हमें 10 दिन बाद ही नहीं याद होता है, तो आप समझ जाओ या तो सिखाने की जो पद्धति है वो गलत है, ओके। तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि आपको अगर आप मोनोबेसिक और डायबेसिक एसिड को अगर आप आज पढ़ते हो तो आप कभी भी अगर आप इस चीज को देखोगे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मोनोबेसिक एसिड का या फिर डायबेसिक एसिड का, तो किस तरीके से अप्लाई करना है वो आप अच्छे से समझ जाओगे, ओके। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप मुझे बताना ये मोनोबेसिक एसिड हुआ या डायबेसिक एसिड हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास है COOH है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपका एक CH2 अटैच है और यहाँ पे आपके पास है COOH है, ओके। अभी मुझे बताओ अगर मैंने इसका एक यहाँ पे इसको अगर मैंने इस तरीके से लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा COO-, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा COOH, अभी मुझे बताओ ये कौन सा एसिड हुआ, ठीक है। ये होता है आपका मोनोबेसिक एसिड, ओके। मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास कंपाउंड है उस कंपाउंड में से सिर्फ एक हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, ओके। एक हाइड्रोजन अगर आपका रिमूव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। और यही सेम एग्जाम्पल अगर आपका इस तरीके से होगा, यानी COO-, यहाँ पे आपका CH2 हो गया और नीचे हो गया आपका COO-, ओके। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डायबेसिक एसिड। यहां से भी आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और यहां से भी आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ओके। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डायबेसिक एसिड, ओके। तो आपको कभी भी अगर पूछा जाता है कि मोनोबेसिक एसिड में आपको कंपैरिजन करना है या फिर आपको डायबेसिक एसिड में अगर आपको कोई कंपैरिजन करना है तो आप किस तरीके से करोगे, तो बहुत सिंपल होता है। आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपली पहले तो आपको अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए और उसको बोला जाए कि इसका फॉर्मेशन करो मोनोबेसिक एसिड में और उसका आपको फॉर्मेशन करना है डायबेसिक एसिड में, तो आप आसानी से कर सकते हो। यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये जो एग्जाम्पल होगा आपका ये पूरी तरह से बेस होगा आपका मोनोबेसिक एसिड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले मोनोबेसिक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि मोनोबेसिक क्या होता है, ओके। सपोज यहाँ पे एक क्लोरीन है, ओके, ये क्लोरीन से आपका
एक ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन अटैच है, और यहाँ पे आपका एक OH अटैच है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इन द मोनोबेसिक एसिड। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एच, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है, एक जो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और ये हाइड्रोजन रिमूव करके क्या बना रहा है, यहाँ पे मोनो बेसिक एसिड यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मोनो बेसिक एसिड आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, यानी सिंपली एसिड बोला तो आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अगर आप बेस का पढ़ रहे हो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, सॉल्व करनी है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसका मोनोबेसिक एसिड और डाइबेसिक एसिड दोनों एक साथ लिखते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ओके, ये एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपके पास COOH है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है CH2 है, लेकिन ये क्या है, आपके पास जीरो है, ठीक है, ये आपके पास है COOH है, ये आपका पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका COOH है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका COOH है, तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास CH2 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ट्वाइस है, ये आपके पास है COOH है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है COOH है, यहाँ पे आपके पास है CH2 है, ठीक है, ये आपके पास थ्राइस है, यहाँ पे आपका COOH है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है COOH है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी बहुत से लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अभी कंफ्यूजन केस कैसे होता है कि अगर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसका मोनोबेसिक एसिड अगर आप निकालते हो, तो मोनोबेसिक एसिड आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपका मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है इसके अंदर क्या होती है, कि अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी पूछी जाए ना, तो स्टेबिलिटी के अंदर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, ओके। तो वो सारी चीजें भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। ये आपका मोनोबेसिक एसिड का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ये आपका CH2 हो गया सिंगल, यहाँ पे आपका COH, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, एच नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका COOH आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका ये ट्वाइस हो जाएगा, ये आपका COO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका COOH हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका थ्राइस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा COO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका COOH हो जाएगा, ओके, ये आपका मोनोबेसिक एसिड हो गया। अगर मैंने यहाँ पे सिंपली आपको कह दिया कि आप मुझे बताओ इसके अंदर से कौन सा ज्यादा आपका स्टेबल है, ओके, और कौन सा ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे, ये भी तो आपके पास एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, कि आपने सिंपली सर हमें बता दिया कि अगर हमें सिंपल सा डायग्राम दिया होगा तो उसके अंदर हम कैसे स्टेबिलिटी को फाइंड करेंगे। लेकिन सपोज अगर आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल दे दूं जिसके अंदर आपको मोनोबेसिक और डायबेसिक दोनों चीजें हो, तो उसमें आप स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड करोगे, और उसमें स्टेबिलिटी को आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं, जो आपका यहाँ पे COOH होता है ना, वो क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ओके, यहाँ पे भी आपको ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये आपको क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ओके, ये बात आप मानते हो। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी जो आपका यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कि यहाँ पे अगर आप सेंटर में देखोगे, यहाँ पे आपका CH2 है ना, यहाँ पे आपका CH2 ट्वाइस है, यहाँ पे आपका CH2 थ्राइस है। अभी अगर आपको इन तीनों में अगर आपको स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, ये भी तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको ये तो पता नहीं है कि आपका CH2 के अंदर, CH2 ट्राइस के अंदर, CH थ्राइस के अंदर आप स्टेबिलिटी कैसे देखोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ जो स्ट्रक्चर है ना उसको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है, ओके। जैसे आपके पास यहाँ पे एक क्या है, ये आपका CH2 है सिंगल वाला, ये वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसके साथ एक क्या है आपके पास COO माइनस है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास COOH है, ठीक है, ये आपके पास है, यहाँ से ऑलरेडी एक हाइड्रोजन हमने क्या किया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग नहीं कंसिडर करते, ठीक है। ये हो गया आपका, अगर आप ये के ए हो गया, ठीक है, के ए वन हो गया, जिसमें आपके ने
एक मोनो बेसिक किया, अभी इसको हम डाई बेसिक करेंगे, तो डाई बेसिक में आपका सिंपली इसी तरीके से हो जाएगा ना, ये सी ओ ओ माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका सी ओ ओ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप सिंपली इसको सिर्फ ऑब्जॉर्ब करना, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस आपस में आएंगे ना, तो इसके अंदर आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा, ओके। और ये रिपल्शन क्या होगा, जितना ज्यादा आपका सी एस टू कम होगा ना, उतना ज्यादा आपको रिपल्शन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी यहाँ पे मैं दूसरा चीज, एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये मैं चीजें यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आपने एक सी एच टू का देखा, ठीक है, अगर मेरे पास दो सी एच टू हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर आपका ये आपका सी ओ ओ एच है, ठीक है, और ये वाला आपका सी ओ ओ एच है। अगर इसके अंदर स्टेबिलिटी देखनी है मुझे एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, ये मैं इसको स्टामा करता हूँ और इसको भी स्टामा करता हूँ, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए, एक ही एग्जाम्पल में, कि किस तरीके से स्टेबिलिटी मैंने यहाँ पे डिसाइड की, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मेरे पास सी एच टू है, दो ग्रुप है, ओके। तो ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो सी एच टू ग्रुप होने के कारण यहाँ पे एक आपका ये हो जाएगा, ये सी एच टू, ठीक है, ये एक हो गया, और दूसरा यहाँ पे आपका ये आ जाएगा सी एच टू ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, ये वाले सी एच टू ग्रुप से क्या है, एक आपका कार्बन है, ओके, इस कार्बन के ऊपर दो आपके ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने सिंपली क्या किया है, एक जो हाइड्रोजन है वो बेसिक के रूप में, एसिडिटी के रूप में रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली कैसा आएगा, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे कैसा है आपका ओ माइनस है, ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो ग्रुप है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ओके, ये ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, तो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो दोनों कंपेयर में देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है कम है, ओके, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, ओके, डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है। तो मुझे बताओ, अगर कोई एटम है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर उसके बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से अट्रैक्ट करेंगे, सपोज दूसरा यहाँ पे है और दूसरा का जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो दूर है, तो मुझे बताओ क्या ये आसानी से अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। इसके लिए जब भी आप कंपेयर करते हो ना, यानी जितना ज्यादा आपका सी एच टू ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा अनअट्रैक्टिव होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, इसके लिए यानी अनअट्रैक्टिव होगा, वो एक दूसरे से रिपल नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से रिपल नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी। इसके लिए आपका जो यहाँ पे ये आपका जो थर्ड वाला लास्ट वाला कंपाउंड है, वो लास्ट वाला कंपाउंड क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आपका थर्ड और एज कंपेयर टू आपका सेकेंड फर्स्ट से, ओके। तो ये आपको समझना होगा कि स्टेबिलिटी हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं और कैसे हम करते हैं, ओके। ये अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपको बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो आपको महसूस करनी पड़ेगी, ओके। ये आपका इसके अंदर हो गया, सॉरी, ये हमने किसके अंदर कर लिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे गलत क्या हो गया, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है मोनो बेसिक एसिड किया है ना, तो मोनो बेसिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, ये उल्टा आ जाएगा, ओके। यानी यहाँ पे जिसमें आपका सी एच टू जितना ज्यादा कम उतना ज्यादा वो स्टेबल, डाई बेसिक में आपका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले डी आ जाएगा, डी के बाद आपका सी आ जाएगा, सी के बाद आपका बी और उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, एक ऑर्डर होता है, ओके, मोनो बेसिक एसिड का और डाई बेसिक एसिड का, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और आप इसको बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ स्टेबिलिटी को हम देखते हैं, ओके। सपोज अगर आपके पास डाई बेसिक एसिड हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं डाई बेसिक, ओके, अगर आपके पास डाई बेसिक एसिड के लिए मैं यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दूँ, सी ओ एच है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है सी एच टू है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है सी ओ ओ एच है, ओके। अगर मैंने इसका मोनो बेसिक एसिड किया यानी के ए वन किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये सी एच टू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सी ओ ओ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ओ ओ एच हो जाएगा। फिर इसको मैंने डाई बेसिक एसिड किया यानी के ए टू किया, ठीक है, इसके अंदर से भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर से भी एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आपका सी एच टू हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी ओ ओ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका सी ओ ओ माइनस हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा।
अगर आपको इसके अंदर देखना है स्टेबिलिटी कैसी होती है, तो स्टेबिलिटी हम कैसे करते हैं, जो आपका A1 है जिसके अंदर आपका मोनो बेसिक है वो सबसे पहले आएगा, ओके। उसके बाद आपका आएगा डाई बेसिक, ओके। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ट्राई बेसिक यानी आपका तीसरा, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे चौथा। इस तरीके से क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है आपकी, ये आपको क्या करना है हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप इसका, अगर आप क्या करते हो यहाँ पे, आप सिंपली देखो तो ये आपका मोनो डाई बेसिक हो गया। अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो, ओके, यानी अगर आप इसको 4 बार कर देते हो तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना वो रिवर्स हो जाती है, ओके। यानी A का स्क्वायर 4 आ जाता है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे K A का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे K A का स्क्वायर 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा K A का स्क्वायर, ओके। और इसकी स्टेबिलिटी ये रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं वो आपको हमेशा आपके किताब में लिख के रखनी है। आप चाहो तो एक आपके पास नोट्स वाला पेज आता है ना, वो छोटा वाला, आप कहीं से परचेज करो, उसके ऊपर जो फॉर्मूले होते हैं ना उसको आप लिख के रखो, क्योंकि यही फॉर्मूले आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और इसी के ऊपर पूरा जो बेसिक होता है, आपको पूरा जो नॉलेज होता है वो आपका डिपेंड करता है। कि जब भी आप रिविजन करो ना, वो आप सिंपल सा एक छोटा सा अगर आप नोट्स भी देख लोगे तो आपको पूरी जो चीज है वो रिमेम्बर हो जाएगी, और आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर कौन सा ज्यादा आपका स्टेबल है, ये आपको क्या करना है मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका एक मेलोनिक एसिड का, ठीक है। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, ये आपके पास सिंगल, ये आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल, ये आपके पास डबल बॉन्ड, ओके। यहाँ पे आपका ये ओ एच हो गया, यहाँ पे आपका ओ एच हो गया, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा आपके पास है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड या ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड या ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड OH, ओके। यहाँ पे भी आपका OH। अभी अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, सपोज इसको मैंने कन्वर्ट किया मोनोबेसिक एसिड में, ओके। मोनोबेसिक कर लो या फिर डायबेसिक, हम लोग सिंपली करते हैं मोनोबेसिक एसिड में, ओके। अगर मैंने इसको मोनोबेसिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ओ माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ओ एच आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं मोनोबेसिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे आपका ओ एच हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ओ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड बचेगा। अभी अगर आपको इसके अंदर किसी पूछ लिया जाए कि स्टेबिलिटी क्या होगा, ओके, इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, तो आप कैसे बताओगे, ओके। तो स्टेबिलिटी डिसाइड करने का एक सिंपल सिंपल सा एक तरीका होता है, ओके। यहाँ पे आपको एसिडिटी डिसाइड करने के लिए जो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑर्डर होता है ना, वो आपको निकालना है, ओके। यहाँ पे देखो, अगर आप ये ऑक्सीजन को देखोगे, ओके, यहाँ पे अगर आप ये वाले ऑक्सीजन को देखो ओ माइनस को, और यहाँ पे आप ओ एच को देखो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ओ एच को देखो और यहाँ पे ओ माइनस को देखो, दोनों में देखोगे तो डिस्टेंस का बहुत ज्यादा फर्क है। यही एक फर्क है जिसकी जिस यहाँ पे यही एक फैक्टर है जिसके आप क्या करोगे, जिसकी मदद से आप डिसाइड करोगे कि इसके अंदर से कौन सा ज्यादा स्टेबल हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ओ माइनस है और यहाँ पे ओ एच है, तो ये एक अपनी क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ये दे सकता है, और ये आसानी से क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज्यादा पॉसिबल ही नहीं होगी, ओके। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। और सिंपली आप इन दोनों की मदद से, ये तो आपको पता चल गया कि अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको डिस्टेंस बहुत ज्यादा करीब चाहिए, ओके। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, अगर डिस्टेंस कम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, यानी वो कंपाउंड क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी वो गेन करेगा एज कंपेयर टू अदर वन, ओके। इसके लिए ये वाले कंपाउंड में जो आपका पहला वाला कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ओके, एज कंपेयर टू सेकेंड वन, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेबिलिटी भी आपको किस तरीके से डिसाइड करनी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल है। अभी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे आपके पास ए वैल्यू है, अगर मैंने इसको के ए स्क्वायर में देख लिया, ओके, के ए स्क्वायर ऑर्डर कर लिया, यानी सेकंड वाला भी मैंने अगर यहाँ पे ये कर दिया, ये जो सेकंड वाला है इसका भी मैंने एसिडिटी में फॉर्मेशन कर दिया, ओके। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ओके, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है।
यहाँ पे ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ओ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका ओ माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों क्या हो गए, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेंगे, इसको बहुत तेजी से रिपल करेंगे, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये आपका नीचे की तरफ आएगा। ओके, अगर आप इसके अंदर देखोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ओ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सिंगल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका ओ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना कंपाउंड, अगर आपने ओ के ए टू किया, स्क्वायर किया तो। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर आप इसके अंदर स्टेबिलिटी देखोगे ना, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ओके, ये आपका क्या है, सिस है। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांस है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो सिस होता है ना, उसके अंदर अगर दोनों चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, अगर आप देखो कि अगर आपका, अगर आप भी टॉक्सिक हो, आपके मित्र भी टॉक्सिक है, तो आप दोनों में कभी जमेगा नहीं। ओके, जैसे कैसे होता है ना कि अगर यहाँ पे दो मित्र हैं, एक ये के, ओके, इसकी सोच भी अगर ये नकारात्मक है, और इसकी सोच भी नकारात्मक है, और इसकी सोच भी नकारात्मक है, तो ये दोनों की सोच है ना कभी एक नहीं हो सकती। ये दोनों सोच अपने क्या करेंगे, अपोजिट सोचेंगे, ये अपने हिसाब से सोचेगा और ये अपने हिसाब से सोचेगा। ओके, लेकिन अगर ट्रांस है, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर साथ में कोई मिलके काम करना चाहते हैं, तो ये अपनी थोड़ी सी राय रखेगा, भले गलत हो या सही हो, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव तरीके से राय रखेगा, लेकिन उन दोनों में जो काम करने का एक सहयोग होगा ना, वो बन जाएगा। इसीलिए बनेगा क्योंकि उन दोनों में विचार सेम नहीं है। ओके, दोनों नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। ओके, दोनों पॉजिटिव भी नहीं सोच रहे, इसकी वजह से दोनों में एक तरह से बॉन्डिंग बनेगी। ओके, और बॉन्डिंग बनने के कारण वो काम अच्छे से वो लोग करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलती हैं। जब एक एक दोनों अगर अपोजिट माइंड के हो, तो उसके अंदर आपको ये नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके लिए इसकी जो स्टेबिलिटी है, वो इस तरीके से आएगी, जो आपका फर्स्ट वन है वो लीस्ट स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। ओके, ये होगा आपका Ka2 ऑर्डर के अंदर। तो आपको ये यहाँ पे कर लेना है, नोटिस कर लेना है। ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये जो एसिडिटी है वो आपको फाइंड करनी है, मोनोबेसिक और डायबेसिक में ऑर्डर किस तरीके से निकालना है। ओके, सिंपली आपको यही आएगा, ज्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं आएगी। यानी जो कार्बोजिलिक एसिड होता है ना, COOH, उसी के ऊपर आपको पूछा जाता है, ज्यादा आपको उसके अंदर दिमाग खपाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप इस चीज को आप सिंपली एक याद भी करके रख सकते हो, छोटा सा एक नोट्स आप कहीं पे बना के लिख लो, ताकि आपको अगर आप कभी रिविजन भी करते हो, तो आप ये सारे एग्जाम्पल अगर आप देख भी लेते हो, तो अभी आपका एक पूरा जो कंप्लीट रिविजन है वो आसानी से हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को आप ध्यान से देखो। ओके, ये पॉइंट है आपका ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ओके, तो ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड कैसे होता है, अगर आपका कोई बेंजोइक ग्रुप है, ऑर्थो पे अटैच है, ओके, तो इसमें कैसे आपको करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास क्या है, एक सिंपल सा, एक जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देके ये सारी चीजों को आपको सुनना है, और आपको ये जो जो भी मैं नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ, उसको आपको नोट्स करना है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आएगा ना, कि ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, वो सबसे पहला पॉइंट है कि इसके अंदर आपका जो स्टेरिक इफेक्ट है ना, वो एप्लीकेबल होता है। ओके, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर कि एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, अगर आपका, अगर आप कहीं पे भी देखते हो ना इसकी एसिडिटी को, तो इसकी एसिडिटी में आपका जो बेंजोइक एसिड होगा वो ऑर्थो पे अटैच होगा। ओके, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा है बेसिसिटी इन एनिलिन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। ओके, अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया जाए, ओके, यहाँ पे मैंने आपको एनिलिन का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है,
और इस एनिलिन के एग्जाम्पल में आपको मुझे बताना है इसकी एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे चार आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, ये आपका क्या है, एनिलिन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन है। ओके, तो जो एनिलिन होता है और सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन होता है ना, उसकी जो बेसिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है। ये आप क्या करोगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर आएंगे ना, एनिलिन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन वन है, ये सबसे पहले आएगी। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे कार्बोजुलिक एसिड हो गया, या फिर NR2 हो गया, H हो गया। ये आपको इस तरीके से क्या करना है, आपको लिखना है। ओके, और ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जब कुछ एग्जांपल आप सॉल्व करोगे ना, तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे कह रहा था। ओके, सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहीं पे एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे आपके पास एक ऑर्थो इफेक्ट दिया है बेंजोइक एसिड का, यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पे आपका ये कार्बोजुलिक एसिड अटैच है, ठीक है, और ऑर्थो पे क्या है, एक ग्रुप अटैच है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, और ग्रुप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहे आपका CH3 ग्रुप हो, ठीक है, या फिर आपका OR हो, या फिर आपका OX हो, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो, या फिर आपका NO2 हो, या फिर आपका क्लोरीन ग्रुप हो, ओके, या फिर आपका CX3 ग्रुप हो। ओके, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, और ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही अटैच होने चाहिए आपके ऑर्थो पे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको इसके अंदर कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, जो स्टेबिलिटी है वो आपको डिसाइड करनी है। अगर ऑर्थो पे है कोई भी, तो ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आपका मेटा और पैरा पे। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल को समझो, ये आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे आपको COOH दिया है, ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपको CH3 दिया है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है सिंपली COOH दिया है। ओके, अभी आप मुझे बताओ इन दोनों के अंदर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। तो जैसे हमने बताया था कि अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप अटैच है, ओके, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड में, तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। ओके, आप आंख बंद करके कर दोगे, और कभी भी आप ध्यान रखना, कितना भी अगर आपको ग्रुप दिया हो, यहाँ पे सिर्फ दो में कंपैरिजन पूछा था ना, अगर आपको 10 में भी पूछा रहेगा, तो जो ऑर्थो होगा, ऑर्थो ग्रुप वाला होगा, वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। या आप ये बात हमेशा आप ध्यान रखना इन ऑर्थो बेंजोइक एसिड के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जिसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, इसको एसिड में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, एसिडिटी में, देन उसके बाद इसका कंपेरिजन करना है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपके पास सी, यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपके पास है COOH है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास CH3 है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिंग है बेंजोइक एसिड का, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है COOH है, ये आपके पास रिंग है। ओके, अभी अगर इसको मैंने मोनोबेसिक एसिड में कन्वर्ट किया, ओके, तो मोनोबेसिक एसिड में कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, COO- हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका COO- हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका बनेगा। और अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप क्या है, स्टेबल है, तो आप कैसे बताओगे, जब भी कोई ग्रुप अगर स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, अगर वो ऑर्थो पे है, ओके, ऑर्थो पे है, साथ में उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है इस COO- को, तो वो क्या होगा, आपका मोस्ट स्टेबल होगा। इसके अंदर ए क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेबिलिटी आप कभी भी डिसाइड करते हो, तो कैसे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, तो थोड़ा सा ये एग्जाम्पल मैंने ओपन कर दिया है। ओके,
यानी इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ओ माइनस है। ओके, यही एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है, और इसमें कोई गलत नहीं है कि आप इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल को लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ये आपके पास ओ हो गया, अगर मैं चाहूं तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, या आप मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका एक सिंगल बॉन्ड ओ माइनस हो गया, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे बताओ क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंसी फॉलो करेगा। ओके, यहाँ से सिंपली क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा। ओके, इस तरीके से ये फॉलो होगा, नेगेटिव चार्ज वहां शिफ्ट हो गया, ओके, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो गया। इसके लिए आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जैसे हमने पढ़ाया था आपको, ये हर एक चीज क्या हो रही है, रिलेट हो रही है। ओके, तो इसके लिए मैंने कहा है कि अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको तो सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आगे आके आने वाली है, और 110% आपको, अगर आप आज का लेक्चर देखोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत जो दिक्कत है वो आपको महसूस हो रही होगी कि ये किस तरीके से हुआ। ओके, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, कि अगर आप देखोगे कि जो ये होता है ना रेजोनेंस होता है वो किस तरीके से होता है, और रिपल्शन किस तरीके से होता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप हर एक डायग्राम के अंदर आप सोचोगे कि यहाँ पे आपका रिपल्सन और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है, तो ये भी आप देखने का एक तरीका होता है। ओके, सपोज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल को ही मैं फॉलो करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल को यहाँ पे फॉलो करता हूँ, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड था, ये कार्बन था, यहाँ पे आपका क्या था, ये ऑक्सीजन था, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था। ओके, या इस तरीके से स्ट्रक्चर था, करेक्ट, इसमें कोई यहाँ पे ये नहीं है। और यही स्ट्रक्चर में को क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड ये, और यहाँ पे ये, ओके, ऑक्सीजन। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे इन दोनों में अगर मुझे स्टेबिलिटी अगर डिसाइड करनी है तो मैं कैसे करूंगा। ओके, ये भी तो एक ये है ना कि स्टेबिलिटी इन दोनों में कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डिसाइड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है। ओके, आपको पता है यहाँ पे क्या होते हैं, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको एम्प्टी पी ऑर्बिटल देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको एम्प्टी, और यहाँ पे भी आपको एम्प्टी, यहाँ पे भी आपको एम्प्टी, और यहाँ पे भी आपको एम्प्टी ऑर्बिटल देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल आए कहाँ से। ओके, यानी एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो गया, एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो गया, ये आते कहाँ से। ओके, ये क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मन में आना ही चाहिए कि हमने यहाँ पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल लिखा, अगर हमें क्वेश्चन नहीं समझा तो हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, ओके, कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल आते कैसे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या होता है, ये CH2 होता है ना, ठीक है। अगर आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नंबर देखो तो कितना है इसका, 6 नंबर है, ठीक है। ये इसका अगर आप यहाँ पे कॉन्फिग्रेशन देखो तो कॉन्फिग्रेशन क्या आता है, 1s2 आता है, 2s2 आता है, और यहाँ पे 2p2 आता है। ओके, अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप बॉक्स में रखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट फिल है, ये वाला ग्रुप भी क्या है, फिल है, लेकिन जो पी वाला है ना, पी वाला क्या है, अनफिल है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास जगह है। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ये लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सेम चीज है यहाँ पे भी होती है। ये क्या करता है, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है एम्प्टी, यहाँ पे भी एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे सिंपली, ठीक है। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं तो ये सिंपली क्या करते हैं, आपको एक तरह का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर ये बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है तो सिंपली आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो एक एक तरह से जो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपका सिंपली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपली अगर आप ये वाले अगर यहाँ पे अगर आपने देखा, अगर सिंपली आप इसको अगर कंपेयर करो तो इसको कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है, हमने इसको देखा, इसके अंदर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत पॉसिबल हो रहा था। अगर आप सेकंड वाले को देख फर्स्ट वाले को देखते हो तो फर्स्ट वाले के अंदर कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये और ये, ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर था, ये डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ माइनस था, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ से ये रेजोनेटिंग इस तरीके से चले जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर यहां आ सकते हैं, ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी इस केस में क्या होगा ना, आप ध्यान से देखो। ठीक है, इस केस में आपके पास एक चीज हो सकती है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो ना, तो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पता है एमटीपी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी आपके पास पता है एमटीपी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एमटीपी ऑर्बिटल है, CH2 है, यहाँ पे भी आपके पास एमटीपी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एमटीपी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे भी एमटीपी ऑर्बिटल है। ओके, अभी यहाँ पे भी तो आपके पास एमटीपी ऑर्बिटल हो सकता है ना, ये मुझे बताओ। लेकिन ऐसा यहाँ पे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वाले पूरे इस डायग्राम को, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड। ओके, अगर यहाँ से ये जाके यहाँ पे अगर ये आता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे चले जाता है, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर डबल नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल होगा ना, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अगर ये फिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको एम टी पी ऑर्बिटल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, और इनके बीच में ये इस तरीके से आपको ये जो शेप है ना, वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। पहले आपका शेप इस तरीके से था ना, वो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, यानी ये स्ट्रेट नहीं होगा, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, और जिसके कारण इस दोनों में जो रिपल्शन है ना, वो पॉसिबल नहीं होता है। और जब रिपल्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके बीच में किसी भी तरीके का जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आप इस चीज को आप यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे जो रिपल्शन है, ओके, रिपल्शन क्या होता है, नॉट पॉसिबल होता है, या फिर आप लिख सकते हो स्लो होता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। ओके, अगर सपोज यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप अटैच कर दिया, ओके, यहाँ पे सपोज एक आपके पास ग्रुप है, तो ये ग्रुप अगर यहाँ पे आ जाता है, तो इनके बीच में भी तो आप देखो तो रिपल्शन कितना हो रहा है, स्लो हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपका ऑलरेडी पहले से ही एक्स है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों में तो आपका रिपल्शन तो होगा ही ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। ओके, लेकिन अगर रिपल्शन यहाँ पे देखोगे, तो रिपल्शन देखो यहाँ पे स्लो होता है। ओके, यहाँ पे रिपल्शन स्लो इसके लिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कि अगर आप विदाउट ग्रुप अगर कोई यहाँ पे लेते हो, तो विदाउट ग्रुप में वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, क्योंकि इसके बीच में कोई रिपल्शन नहीं है। अगर ग्रुप आ जाता है आपके पास कोई, तो ग्रुप में ऑर्थो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण वहां पे आपको जो रिपल्शन है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी। ओके, यहाँ पे और कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज जैसे अगर आपके पास प्लस आई है, ओके, और प्लस एच है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे आपके डोनेटिंग ग्रुप होंगे। ओके, अगर आपके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप अटैच है, तो इसमें आपका एच प्लस हो सकता है, या प्लस आई हो सकता है, यही दो चीजें आपके पास पॉसिबल हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये दोनों क्या है, नॉट गुड फॉर अनायन, ये क्या है, अनायन के लिए बहुत अच्छे नहीं है। ओके, यहाँ पे आप लिख लो, नॉट गुड फॉर अनायन। ओके, यहाँ पे ये चीजें आप क्या करो, अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये अनायन के लिए क्या होते हैं, बेहतर नहीं होते। ओके, अगर ये अनायन के लिए बेहतर नहीं है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, वो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है इस तरीके से, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर वन है। ओके, ये आपके पास बी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सी है। ओके, ये आपके पास डी है।
अगर आप यहाँ पे सभी को देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आप मुझे बताओ अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए कही जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको बताया कि आपको स्टेबिलिटी किस तरीके से फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी निकालना आप मेरे लिए बहुत ईजी है। जो ऑर्थो होगा, ऑर्थो क्या होगा, सबसे पहले आएगा, ठीक है, ये ऑर्थो सबसे पहले आएगा, ठीक है। ऑर्थो के बाद कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑर्थो के बाद आएगा आपके पास ये वाला, जिसके अंदर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अभी यहाँ पे हम देखेंगे जो आपके पास मेटा पोजीशन है और यहाँ पे पैरा पोजीशन। ओके, मेटा पोजीशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो CH3 है ये क्या लगा रहा है, यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है। ओके, और ये जो पैरा पे पोजीशन है ये पैरा पे क्या लगा रहा है, आपका प्लस H लगा रहा है। ओके, ये आपका क्या लगा रहा है, यहाँ पे आपका ये माइनस आई प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे आपका प्लस H लगा रहा है। ओके, प्लस H क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका सिंपली हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे लगा रहा है। ओके, और ये आपका इंडक्टिव यहाँ पे लगा रहा है। तो इंडक्टिव क्या होता है इन द अनायन में? ओके, अनायन में जो इंडक्टिव का प्लेस होता है ना वो पहले होता है, प्लस आई होता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एच होता है, उसके बाद आपका प्लस आर होता है, इस तरीके से आपका एक ऑर्डर होता है। तो इसके अंदर जो सी होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू आपका डी। ओके, तो ये चीजें आप क्या करो अपने दिमाग में सेट कर लो कि किस तरीके से आपको जो स्टेबिलिटी है वो आपको देखनी है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज्यादा आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको आप सॉल्व करो और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं ये सारी चीजें कह रहा था। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी इसकी डिसाइड करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे? ओके, आपको पता है ये दोनों में आपका कंपैरिजन सेम होता है, आपका जो ऑर्थो होता है वो सबसे पहले आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो कि ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला क्या शो कर रहा है आपको यहाँ पे, ये किस पे है, आपका पैरा पोजिशन पे है, और पैरा पोजिशन पे ये क्या शो करेगा आपको, प्लस आर शो करेगा। और प्लस आर आपको पता है अगर आप अनायन की स्टेबिलिटी देखते हो तो वो सबसे लास्ट में आता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग क्या रख देते हैं, यहाँ पे डी को रख देते हैं। अभी यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये वाला है आपका मेटा पोजिशन पे और इस पे आपका कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। ओके, तो ये दोनों में आप जब कंपेयर करते हो तो आपको ये पता है कि आपका ये वाला क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो ये वाला है ये आपको माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, और माइनस आई इफेक्ट अगर ये शो करता है और यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, पीछे आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो आपका आने वाला है। ओके, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि माइनस आई फिर प्लस आर, ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे प्लस आई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एच आ जाएगा, इस तरीके से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो चलती है, ठीक है। आपने देखा था कार्बोकैटायन के अंदर स्टेबिलिटी किस तरीके थी, कार्बोनाइन के अंदर स्टेबिलिटी किस तरीके से थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप वीडियो देखो, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से वहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको दिया था। ओके, आपको उसके अंदर कोई दिक्कत महसूस नहीं होने वाली। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको करना है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका COOH दिया है और यहाँ पे आपको दिया है NO2 दिया है। ओके, यहाँ पे आपके पास दूसरा इसके साथ दिया है स्ट्रक्चर, ये आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है COOH दिया है, यहाँ पे आपको दिया है CH3 दिया है। ओके, अभी यहाँ पे देखो तो दोनों ऑर्थो पे है, देखिए दोनों ऑर्थो पे होने के साथ साथ आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, ये वाला क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये वाला क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जैसा हमने कहा था जब हमने स्टार्ट किया था, ओके, ऑर्थो ऑर्थो
इन बेंजोइक एसिड, ओके, ऑर्थो पोजिशन इन बेंजोइक एसिड। तो इसमें हमने एक देखा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो आपका ऑर्थो पे आता है, ये आपको पता है, और आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये आपका ऑर्थो पे नहीं देखा था। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ही क्या देखे थे, कुछ एग्जाम्पल देखे थे, ओके। लेकिन अगर आपको दोनों चीजें सेम दिखाई देना ऑर्थो पे, तो आपको क्या करना है, उससे आगे जाके उसके ऊपर इफेक्ट देखना है। ये आपका क्या कर रहा है, प्लस एच इफेक्ट लगा रहा है, ओके, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है, ओके। अभी अगर आप माइनस आर और प्लस आर एच में अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी, तो आपको पता है कि जो माइनस आर आता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ओके, प्लस एच से, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, प्लस एच से, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको किस तरीके से जाना है। जो माइनस आर आता है ना, वो सबसे पहले आता है, ओके, कटायन के, अनायन के स्टेबिलिटी में, ओके, माइनस आर हो गया। देन उसके बाद आपको बहुत सारे, चाहे आपका प्लस एच हो गया, प्लस आई हो गया, ओके, माइनस आई हो गया, प्लस आर हो गया, इस तरीके से आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते चले जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने ये सारी चीजें इस्तेमाल की है, और किस तरीके से अगर आपको आता है एग्जाम के अंदर, तो आप किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखोगे, ओके। यहाँ पे दोनों चीजें ऑर्थो पे ही है, फिर भी यहाँ पे दोनों में आपने देखा कि हमने इफेक्ट अप्लाई किया, और इफेक्ट अप्लाई करने के बाद ये वाला और ये वाला दोनों में आप देखा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसके लिए यहाँ पे आपको प्लस एच यहाँ पे शो करेगा, ओके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इस चीज में, अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान देके अच्छे से ये एक बार सीख जाते हो, तो आपको फिर इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखोगे जीओसी, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड है, प्लस आई और माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, प्लस एच माइनस एच के ऊपर, ओके। उसके बाद चाहे मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेटिंग हो गया, तो ये सारी चीज आप आसानी से कर सकते हो, चाहे आपका मीजोमेरिक हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, या फिर रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव हो गया, तो ये सारी चीज आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं जो मुश्किल है, वो आपका प्लस आर माइनस आर है, ओके, प्लस एच माइनस एच है, प्लस आई माइनस आई है, तो ये सारी चीजें आपके लिए थोड़ा सा एक दिक्कत पैदा करती है। तो उसके लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और एक दो चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देखिए और आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका जो ऑर्डर है वो किस तरीके से आएगा, ओके। ये आपके पास COOH है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पैरा पे है NO2 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके पास ओ एच है, यहाँ पे आपका NO2 है, ठीक है, ये आपके पास ओ एच है, यहाँ पे आपके पास है ओ एच है, ओके, और यहाँ पे है आपके पास NO2 है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी हमने, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल किए ना, एक सिमिलरिटी आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी। आपको ये अगर आप देखोगे ना, सब में एक सिमिलरिटीज आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगी, COOH, ओके, इसमें भी आप देखोगे तो COOH, इसमें भी देखोगे तो COOH, इसमें भी देखोगे COOH, इसके अंदर भी COOH है। तो इसके अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका एक COOH है, यहाँ पे आपके OH है, यहाँ पे आप OH है और यहाँ पे OH है। और हमने पढ़ा था कि जब भी आपका ऑर्थो पे कोई ग्रुप अटैच हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा आती है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको जो प्रियोरिटी है वो आपको देना है जो कार्बोजिलिक एसिड होता है ना, COOH को, उसको आपको देना है। इसके लिए यहाँ पे जो ए है वो सबसे पहले आएगा, फिर आपको ये तीनों में कंपेयर करना है, ओके, OH वाले ग्रुप में, ये आपका अलग ग्रुप है, इसके लिए आपको ये पहले आएगा, ओके। अगर ये पहले आएगा तो यहाँ पे हमने पहले रख दिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली आपका ये ऑर्थो नहीं पॉसिबल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारे ग्रुप अलग है। अगर ये सब ग्रुप सेम होते ना, तब हम लोग ऑर्थो अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ओके,
और यहाँ पे ये वाला क्या कर रहा है, आपको ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ओके। और आपको पता है माइनस आर और माइनस आई में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी बी वाला, ओके। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एच शो कर रहा है, और उसके बाद कौन सा ये स्टेबल होता है आपका, माइनस आई वाला, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और उसके बाद स्टेबल होता है आपका बिना किसी, यानी हाइड्रोजन वाला, जिसमें आपको सिर्फ एसिडिटी देखने के लिए मिलती है, ओके। तो इसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने सिर्फ क्या किया, ये पहले वाला जो आपको यहाँ पे दिया था उसके अंदर आपने सिर्फ क्या किया, ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं किया, ओके। लेकिन बाकी सब में आपने ग्रुप को देखते हुए यहाँ पे आपने अलग अलग जो इफेक्ट होते हैं, माइनस आर माइनस आई, ये सारी चीजें क्या क्या आपने यहाँ पे अप्लाई किया, ओके। तो आपको ये सारी चीजें हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो पूरा कंप्लीट वीडियो है अनायन की स्टेबिलिटी का, अनायन का, वो यहाँ पे खत्म करते हैं, ओके। और नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे, ओके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज अब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज और हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी जो वीडियो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। और यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली CSIR, नेट, केमिकल साइंस और गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको करवा रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, A to Z टॉपिक मिलेंगे, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको छूटने दिया जाएगा, सारे के सारे टॉपिक आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेसिसिटी के साथ, थैंक यू।